सिंगरौली में कांग्रेस ने बिजली विभाग की मनमानी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली विभाग द्वारा मनमाने ढंग से बिल देकर उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। बिजली विभाग के लचर व्यवस्थाओं और मनमाने बिजली के बिल दिए जाने की शिकायत कई बार की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को मनमाने ढंग से बिल दिया जा रहा है। मीटर रीडिंग कुछ और है, बिल में मीटर रीडिंग कुछ और दिखाई जाती है। आए दिन मनमानी बिजली की कटौती की जा रही है। महीने से जले हुए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत नहीं की जाती, जिसको लेकर लोग त्रस्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा, अगर ज्ञापन के एक माह बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो बिजली विभाग के संभागीय कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। ये मुद्दा समूचे सिंगरौली जिले में है, लेकिन अभी हम लोगों ने जो कनिष्ठ यंत्री मोरवा कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं, एक दिवस तमाम बिजली से संबंधित अव्याप्त जो समस्याएं हैं, जैसे बिजली बिल का अधिक आना, लोगों का जबरदस्ती मीटर रीडर द्वारा जाके फाल्स बिल देना, जबरदस्ती जुर्माना और प्लांटी लगाना, छः महीने तक बिजली का रीडिंग न लेना और मनमानी बिल भेजना, बिजली बिल कटौती की बात है, इन सब बातों को लेकर, इन सभी समस्याओं को लेकर आज जिला कांग्रेस के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पिनकेत पर धरने बैठे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।